सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप पशुपालक भाइयों तक पहुँचता रहे। आज की वीडियो फिर से हम साधारण किसान के यहाँ से लेके आ रहे हैं। आगे इस जोटी ने अभी अभी जस्ट हम पहुँचे उससे 20 या 25 मिनट पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, तो इसके बारे में डिटेल से पूछते हैं। मैं पहले आपको जो इनके ओनर हैं उनसे मिलवाता हूं, आ जाओ जी। तो आगे इनसे मिलवाते हैं और इस जोटी के बारे में डिटेल से जानेंगे ताकि जो भी पशुपालक इसे ख़रीदना चाहते हैं उनको इसकी जो डिटेल है वो मिले। सबसे पहले इनका जो एड्रेस है वो जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है? राधेश्याम। गाँव? सिलाणी। तहसील कौन सी लगती है? जज्जर। जिला भी जज्जर? जिला जज्जर। तो अपने पास ये जोटी है कौन से ब्यात की जी? हमारे पास ये तीजोन ब्यात की है। तीसरी बार? और दूसरी बार में आपके पास घर की है जोटी जी? मैं खार की लेके आया था। लेके आया था, कितना दूध निकाला था उस टाइम पे? खार की ने दिया 14 किलो। हाँ। और दूजोन ने दिया 20 और 21 किलो के बीच में। 20-21। तो अब की बार क्या उम्मीद कर रहे हो? इतना तो देगी पिछली बार जितना तो। अच्छा अच्छा। साथ में बच्चा क्या है अब की बार भी? बच्चा भी अब की बार युवराज का बीज था, कटड़ा दिया। कटड़ा दिया है तो एक बार खोलना भाई साहब इसको, ये देखिए तीसरी बार बच्चा दिया है और देखने में दूसरे ब्यात में जोटी लग रही है लेकिन तीसरी बार काफी पशु ऐसे हो जाते हैं जिनका शरीर गठीला और दो दो तीन तीन बार बच्चा ज्यादा भी दे दें फिर भी उनके ब्यात का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, और 20-21 किलो दूध बहुत होता है, इसने दूसरे ब्यात में निकाल रखा है। साथ में एक कटड़ा आप देख पा रहे हैं युवराज का है, क्योंकि मैं इनका शाम को ही फ़ोन गया था जब सुबह कवरेज के लिए पहुंचे उस टाइम तक जोटी बच्चा दे चुकी थी। आपको मैं थनों की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा अभी, जो पूरे ब्यात के दबाव के कारण जोटी के थन हैं वो पूरे जोश में हैं और जैसे ही खाली होंगे इनका कहना है कि स्पेस इतना बना लेगी अभी जो दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्यात का दबाव होके थनों में ज़्यादा जोश ले आती है। उस साइड घुमा लो भाई साहब एक बार थोड़ी, तो सामने से देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, लंबाई ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी है। झज्जर जिले में जो पशु हैं, ले आओ भाई, झज्जर ज़िले के जो पशु हैं दूध के मामले में आप पशुपालक भाइयों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो मिल्क रिकॉर्ड है अब की बार झज्जर ज़िले के पशुओं ने किया है। बांध लो भाई साहब बांध लो, ये देखिए दोनों सींग बिल्कुल एक जैसे, जो छोटे हेड की है क्योंकि पशु की जो बनावट है वो फेस की क्वालिटी से बनती है, फेस की क्वालिटी अच्छी हो यही भैंस बड़े बड़े सींग हों खुले खुले तो फिर इसकी कीमत अलग हो जाती। तो देखिए नॉर्मल किसान है, अभी अभी इन्होंने जो बच्चा देने के बाद जेर डालने के लिए या जो मैला है उसको डालने के लिए इस टाइम पे गुड़ का जो गाढ़ा बना के दिया है ताकि ये आराम से जो जेर है उसको डाल सके। तो अब की बार उम्मीद इनकी व्यापारियों की तरह ज़्यादा नहीं, 20-21 किलो दूध की बता रहे हैं, ज़्यादा निकाल दे वो एक अलग बात है। तो जो भी भाई इसे ख़रीदना चाहते हैं उनको मैं एक बार पीछे से बिल्कुल कवर करके दिखाना चाहूँगा, काफ़ी जोशीले अड्डर की है, टाइट अड्डर की पैर के बीच का, और स्वभाव में इनका कहना है कि काफ़ी शांत है। पिछले ब्यात का ये जो मेल काफ है वो भी साथ ही में है, क्योंकि जो एक पशु रखने वाला है वो हमेशा अगर इतने लंबे टाइम रोकता है तो अच्छी क्वालिटी का ही पशु रोकेगा। टैल नीचे से तकरीबन 2 से 3 इंच वाइट हो सकती है, बाकी बाल की लंबाई है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जोटी है। तो देखिए बिल्कुल पतली चमड़ी की, जो भी भाई इसे ख़रीदना चाहता है मैं इनका संपर्क नंबर है वो भी बताऊंगा ताकि आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि साधारण किसान के यहाँ से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो आगे जो इनके ओनर हैं मैं इनका जो मोबाइल नंबर है वो पूछना चाहूँगा जी, एक बार अपना संपर्क नंबर बताइए। मेरा नंबर है जी, मोबाइल नंबर 98123। 98123। 60388। 60388। तो कितने टाइम दूध से हटी है जी ये? डेढ़ महीना ये कटड़ा है पिछले ब्यात का। तो साथ में इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, अब की बार का जो काफ है वो भी आपके सामने कैमरे के सामने दिख रहा है। जो भी भाई इस जोटी के बारे में अदर किसी भी तरह की डिटेल लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम पशुपालक के यहाँ से वीडियो लेके आएं, क्योंकि साधारण किसान का जो पशु है वो जल्दी सेट हो जाता है एक दूसरी जगह पे जाके भी। तो
सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इनकी जो ये जोटी है वो आपको कैसी लगी। सभी को लास्ट में मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।